newsone.com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे बीच में मौजूद हैं गौरी वाजपेयी। ये महज 13 साल की हैं और ये गाना गाती हैं और वो भी बहुत सुरीला, और इनका भी एक प्रोग्राम भी आने वाला है, उसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि इन्होंने अपनी सिंगिंग की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले गौरी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने सुर संगम नेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रनअप का जो खिताब जीता है उसके लिए, और आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी सिंगिंग की स्टार्टिंग कैसे की। एक बार हम लोग एक ट्रेन में जा रहे थे वैष्णो देवी, वहाँ पे मैं ऐसे ही ट्रेन में गुनगुना रही थी। मैं शायद 4-5 साल की थी, मैं ऐसे ही ट्रेन में गुनगुना रही थी तो एक इंसान आते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि आप लोग क्यों ना ऐसे गाना सिखाएं। तो मैं बहुत छोटी थी, हमने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, बट फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं गाना गाती थी तो लोग हमें हमेशा बोलते थे कि आप प्लीज़ इसको सिखाइए, इसमें एक सुर का पुट हमें दिखता है। तो हमने किसी से बहुत लोगों से राय ली, फिर फाइनली मैंने माधवी चांदोलीकर मैम से पिछले 6 वर्ष से सिंगिंग की तालीम ली। तो आपको सिंगिंग का इंस्पिरेशन यहाँ से मिला, तो आप किन किन सिंगर्स के गाने गाती थी? ऐसा कोई पर्टिकुलर सिंगर नहीं है, मैं बहुत सारे सिंगर्स के गाने गाती हूँ, पर जैसे अभी प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो मैं जैसे ऋचा शर्मा का 2-3 गाने गा रही हूँ, कैलाश खेर जी के गाने गा रही हूँ। क्लासिकल सिंगिंग पर ज़्यादा फोकस है आपका? क्लासिकल भी, क्लासिकल तो मैं सीखी रही हूँ, मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं सिंगिंग के, तीसरे की प्रिपरेशन चल रही है, और उसके साथ साथ मैम के जो जान पहचान के लोग होते हैं उनके साथ हम लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं, शोज भी करते हैं। आपका आइडियल कौन रहा है अब तक सिंगिंग? ऐसे कोई आइडियल नहीं है, मैं जैसे सबके सॉन्ग्स सुनती हूँ, मैं सबके सॉन्ग्स गाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर आइडियल नहीं है। प्रयास एक नन्ही पहल, ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसमें आप क्या गाने वाली हैं? इसमें मैं 2 सूफी सॉन्ग्स गाने वाली हूँ, गज़लें गाने वाली हूँ और भजन गाने वाली हूँ। प्रयास एक नन्ही पहल, ये सोच कैसे आई, कैसे स्टार्ट करना चाहा आपने इसको? वैसे मैंने और मेरी फ्रेंड ने ये सोच डिस्कस की थी, बट जैसे कहा जाए तो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल उसका खुद का घर होता है, तो वो घर में जैसा भी माहौल देखता है वो उसी के साथ बड़ा होता है। तो मेरे घर में एक बहुत ही सिंपल माहौल रहता है, पर मेरे घर में मैंने हमेशा दूसरों की मदद करना, किसी के बारे में बुरा ना बोलना, हमेशा ऐसा ही माहौल देखा है। जैसे कोई भी कुरियर वाला मेरे घर पे कभी आए, या फिर कोई भी डिलीवरी वाला है, कोई भी ऐसे घर में आता है तो मम्मा पापा दादी हमेशा उनसे पूछते हैं कि आप पानी लेंगे, चाय लेंगे, क्या लेंगे। तो ऐसा माहौल देखूँगी मैं घर में, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि मुझ में ऐसा बिहेवियर ऑलरेडी आ ही जाएगा। फिर मैं श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल में पढ़ती हूँ, तो उस स्कूल के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हाँ उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे भी नारायण सेवा हमारे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा होती रहती है, फिर फिस्ट फुल ऑफ लव होते हैं। नारायण सेवा में हमारे यहाँ त्योहारों पर या किसी भी ऐसे रैंडम दिनों पर लोगों की मदद की जाती है, और जो स्कूल का बचा हुआ खाना होता है वो बांटा जाता है बच्चों में। फिर उसके साथ साथ हमारे स्कूल में बाल विकास वगैरह भी होता है, तो उसमें भी हम लोग सब भजन वजन गाते हैं, तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा बनी ही रहती हैं। उसके साथ साथ मैंने कई सारे लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, जैसे मदर टेरेसा, अब्दुल APJ अब्दुल कलाम, तो मुझे ऐसी हमेशा ऐसी माहौल से मैं घिरी रही, तो ज़रूरी है कि ये मुझ पर ऐसा ही इम्प्रेशन हमेशा आता ही रहा। तो जब मैंने और मेरी फ्रेंड इस बात को डिस्कस किया तो हमने सोचा क्यों ना हम इस अपनी सोच को एक बड़े मुकाम पर लेकर जाएं। हम बहुत छोटे हैं इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो हमने सोचा हम क्यों ना एक चैरिटी प्रोग्राम करें। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैरिटी का मतलब वो होता है कि हम चैरिटी करें राइट हैंड से, तो हमारे लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए। पर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का युग है तो इसके साथ हमें मूव करना है, तो हम लोग ये प्रोग्राम ऐसे करें जिससे हमें खूब सारा डोनेशन मिले, तो हम भी उनकी मदद कर पाएंगे। और वैसे भी हम कोई नहीं है चैरिटी करने वाले, जो भी करवा रहा है वो हमसे ईश्वर ही करवा रहा है चैरिटी, हम उनके जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमें अपना माध्यम बना रहा है और हमसे चैरिटी करवा रहा है। हमें बहुत खुशनसीब हैं कि हमसे वो इतना अच्छा काम करवा रहा है। तो बस हमने इसे डिस्कस किया और हमारे पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट मिला और हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। प्रयास एक नन्ही पहल से आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, और आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगर जैसे ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है, और सक्सेस ही होगा ये प्रोग्राम, तो इसके आगे आप और क्या लेवल पर क्या करना चाहेंगे? हम
इसी प्रोग्राम को एक थोड़े बड़े मुकाम पर अब लाना चाहेंगे। हमारी ये एक कोशिश है, जैसे आप जानते हैं इसका नाम भी प्रयास है, ये बस एक कोशिश है, पहली पहल है हमारी। तो अगर ये प्रोग्राम हमारा, हम जानते हैं सक्सेसफुली होगा, हम इतने अच्छे काम के लिए कर रहे हैं इसे, तो हमारा ये प्रोग्राम अगर सक्सेस होता है तो हम आगे भी लाइफ में इसे और बड़े मुकाम पर करना चाहेंगे। आप गाना गाती हैं तो हमारे दर्शकों के लिए दो लाइन गुनगुना दीजिए। मैं लता जी की एक गजल है, यूं हसरतों के दाग, वो आपको सुनाना चाहूंगी। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। कुछ हम करें इस तरह
कहने लगे ये, हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे सैलाब जैसे कोई बहने लगे ये, दो बेसबर भीगे बदन दो बेखबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बेंतहा यूं प्यार कर बेंतहा हाँ देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेंत हाँ। बहुत खूबसूरत आवाज है गौरी की और अगर आप भी सुनना चाहते हैं ये आवाज तो आनंदम का प्रयास एक नन्ही पहल ये देखने जरूर जाइए और वहाँ गौरी और खनक का गाना और डांस देखिए और इनकी जो चैरिटी करना चाह रहे हैं ये बच्चों के लिए और वृद्धाश्रम में वृद्धों के लिए जो मदद करना चाह रहे हैं उसमें अपना सहयोग दीजिए और देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।